प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, समय समय पर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के तमाम ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जिनका सीधा सरोकार आम जनता से है, समाज से है, और समय समय पर अपने कामों के द्वारा और अपनी अच्छी व्यवस्थाओं के द्वारा समाज को नई दिशा दृष्टि प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका अगर परिचय कराऊं तो देश की एकमात्र महिला प्रकाशक और संपादक और तमाम तरह से पुस्तक लिखने वाली, तमाम तरह के बड़े बड़े सम्मानों से अलंकृत करने वाली निविदा श्रीवास्तव हमारे साथ है। निविदा जी, आपका समय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपके परिचय बताया कि आप एकमात्र देश की महिला प्रकाशक हैं लखनऊ जी, देश आप, में बहुत सारे जी जी आप लखनऊ की एकमात्र महिला प्रकाशक हैं। क्या मानते हैं, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और क्षेत्र में कैसे आप आगे गए? लखनऊ में ही पहले एक प्रकाशन था, मनसा प्रकाशन जी। वो एक महिला ही चलाती थी, उनके पास हम अपनी पहली किताब जो है लेकर के गए थे। तो उसके बाद जो है मुझे लगा कि ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने जो है प्रकाशन शुरू किया था। अब ये हम लोगों का जो है दुर्भाग्य है कि पिछले साल वो नहीं रही, और लेकिन मैं जो है उनकी स्मृति में, बल्कि ये शारदे प्रकाशन मैंने अपनी माता जी की स्मृति में शुरू किया था। मेरी माता जी का नाम शारदा वर्मा जी था और उन्हें पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद था, तो शारदे प्रकाशन करके मैंने जो है ये प्रकाशन शुरू किया था जो अभी भी चल रहा है। और उसमें कम से कम 40-50 किताबें अब तक मैं छाप चुकी हूँ, जिसमें से 4 मेरी भी हैं और यहाँ लखनऊ के बहुत सारे लोगों की हैं। कुछ संग्रह भी हैं, अलग अलग तरीके के संग्रह हैं। कोई कविता संग्रह है, कोई हाइकू संग्रह है, तो लघु कथा संग्रह हर साल मैं छापती हूँ। इस समय भी जो है आकाश गंगा नाम से जो है लघु कथा संग्रह पे काम चल रहा है, और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लखनऊ की ही लघु कथाकार जो है लिखते हैं, उसमें आपके जो है हर प्रांत के जो है लघु कथाकार जुड़े हुए हैं जी। तो ऐसे निविदा जी, अभी आपने बताया हाइको संग्रह, हाइगा संग्रह, ये हाइको हाइगा संग्रह क्या है? हाइकू एक जो है विधा है जो कहते हैं लोग कि विदेशी है, लेकिन अगर देखें तो हमारे जो है मिथिलेश दीक्षित दीदियां हैं, उन्होंने हम लोगों को बताया कि हम अपना जो है मंत्र उठा करके देखें तो उसमें हाइकू ही है। हाइकू में क्या होता है, 5 वर्ण पहले, फिर दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण, और फिर तीसरी पंक्ति में फिर 5 वर्ण होते हैं, और उसमें कोई ऐसा कथ्य कहना होता है कि ऐसा ना लगे कि ये तीनों पंक्तियाँ एक ही पंक्ति को तोड़ करके बनाई गई हैं, और कोई ऐसे, और उसमें कविता भी होनी चाहिए, तीनों पंक्तियों को मिलाकर के कविता का जो है भाव भी आना चाहिए। तो और इसी को जब हम किसी चित्र पे लिखते हैं कि चित्र से संबंधित हो जाता है जब कोई हाइकू, तो वही हाइगा हो जाता है। तो मेरा जो है 2 संग्रह आया है, एक हाइकू संग्रह आया है पातले जिले, और एक हाइगा संग्रह भी मैंने निकाला है जो कि मेरे जानकारी में अभी तक किसी का एकल हाइगा संग्रह नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि हाइगा संग्रह, और बल्कि वो कॉफ़ी टेबल बुक की तरीके से मैंने बनाया, स्वर्ण चषक नाम से आया है। पिछले 2020 के 2 फरवरी को उसका जो है लोकार्पण मैंने किया था। 2 फरवरी मेरी माता जी के जन्मदिवस भी है, उसी पे जो है हम शारदीय प्रकाशन का जो है वार्षिकोत्सव करते हैं। निविदा जी, आप, मैंने आपका बारे जानकारी जो है हमारे पास, वो स्नातक किया आपने मध्यकालीन इतिहास से, फिर स्नातक आपने मूल और आध्यात्म में किया है, उसके बाद फिर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में चली गई। ये अचानक पत्रकारिता क्षेत्र में जाने का कैसे आपका मन हुआ? थोड़ा सा सिस्टम आपका जो है, थोड़ी सी जानकारी इसको अपडेट कर दें कि हमने जो है पहले तो जो है परास्नातक किया मध्यकालीन इतिहास से गोरखपुर विश्वविद्यालय से, उसके बाद विवाह हो गया और फिर उसके बाद कुछ साल ऐसे ही चले गए। अब बच्चे बड़े हो रहे थे तो क्या करते, चूंकि पढ़ाई के समय ही मैंने जो है पत्रकारिता में डिप्लोमा लिया था, तो मैं ऑनलाइन जो है एज ए सह संपादक काम करने लगी एक समाचार पत्र के साथ, दिल्ली का समाचार पत्र जी, था जी, वो जी।
न्यू ऑब्जर्वर पोस्ट, तो उसमें मैं जो है सह संपादक के रूप में काम करने लगी और बच्चे बड़े होते रहे, उसी में लिखना पढ़ना भी मेरा चलता रहा। जी। फिर ये कर रही थी जी। और तब तक कुछ हमारे जीवन में हादसे होते ही रहते हैं। मेरे भाई की जो है सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसने मुझे मेरे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाला। तो फिर मैं जो है ये ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी और वहाँ पे जुड़ी तो मूल्य और अध्यात्म से, मतलब 1984 में मैंने जो है परास्नातक इतिहास से किया था, जबकि 2017 में जा करके मैंने MSc करी मूल्य और आध्यात्मिकता से। तो इस तरीके से ये सफर चला। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, वैसे ही उतार चढ़ाव मेरे भी जीवन में आया। फिर जो हम लिख रहे थे तो उसको मैंने जो है प्रकाशित करना शुरू कर दिया, और प्रकाशन के काम में जो है संपादन बड़ा जरूरी होता है। सिर्फ प्रकाशन नहीं किया जा सकता है, अगर संपादन आपको नहीं आता है तो प्रकाशन संस्था आपकी बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कोई भी कुछ भी ला करके दे देता है। यदि हम उसको संपादित नहीं करेंगे, उसके वर्तनी दोष या क्या लिख रहा है वो। कई बार ऐसा होता है कि अभी मैंने एक जो है डॉक्टर के पुत्र की पुस्तक जो है मना कर दी कि मैं ये नहीं छाप सकती, क्योंकि इससे समाज में बहुत जो है गलत संदेश जाएगा। तो प्रकाशक की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। आपने बताया कि आपने काव्य संग्रह भी किया है, पुस्तकें भी लिखी हैं, इसके अलावा आप संपादन भी करती हैं, लखनऊ की एकमात्र महिला प्रकाशक भी हैं, तमाम तरह के सम्मान भी आपको मिले हैं। इन सभी का कोई ना कोई एक प्रेरणा होती है, तो आपने बताया आपकी प्रेरणा कौन है और किसके प्रेरणा के माध्यम से आपने काम शुरू किया, क्योंकि एक कोई ना कोई प्रेरणा शुरू जरूर होता है जिंदगी में जिसको फॉलो करते रहते हैं। जिसको फॉलो कहते हैं, अगर भौतिक रूप में देखा जाए तो मेरे बड़े भाई, जिनकी अभी हमने आपसे बात करी कि सड़क दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई, तो बचपन से मतलब हर बच्चा होता है फॉलो फादर करता है, लेकिन मैंने फॉलो ब्रदर किया था। पिताजी सुबह चले जाते थे, हम लोग सो जाते थे तब आते थे, तो दिखाई तो पड़ते नहीं थे। टीचर थे हालांकि, लेकिन वो अपना जो है काम ईंट का भट्टा भी चलाते थे, तो जो है वो ठेकेदारी भी करते थे। तो भाई ही को देखा है, उन्होंने ही मुझे सारी चीजें सिखाई हैं, चाहे वो हस्त रेखा विज्ञान से लेकर के जो है मुझे लिखने का जो है एक लाइन दे दी उन्होंने, उन्होंने कहा कि अगली लाइन लिखो। तो बचपन से इसी तरीके से मैंने सब कुछ सीखा उनसे, और वही मेरे प्रेरणा स्रोत थे। उनके जाने के बाद से जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी तो ईश्वर ही अब ये जो है मेरा सब कुछ है, और वही जैसे चलाता वैसे चल रही। आपको नागरिक सेवा सम्मान भी मिला है, किसलिए सम्मान भी मिला है? नागरिक सेवा सम्मान किस नागरिक सेवा सम्मान बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये मेरे जीवन का पहला सम्मान था और मैं बहुत खुश थी। और ये सम्मान मुझे जो है ये किसी मेरे लिखने पढ़ने के लिए नहीं मिला है। बच्चे छोटे थे तो मैं कुछ और तो करती नहीं थी, तो अपने अगल बगल जो कुछ भी था उसको देखती रहती थी कि क्या हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो है सभासद थे उस समय रामकृष्ण जो है यादव जी, तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि दीदी आप जो है ये सारी चीजें करती रहती हैं कि इधर लाइट टूट गई तो बनवा दो, और जो है दिनेश शर्मा से कह करके कि भैया ये वाली सड़क बनवा दीजिए। तो ऐसे करके उस समय मैं भारतीय ये महिला मोर्चा में काम भी करती थी, गोमती नगर से की तरफ से महामंत्री भी थी। तो ये सारे काम की वजह से जो है मुझे नागरिक सम्मान मिला था। आपने तमाम तरह के काव्य पाठ किए हैं, दूरदर्शन पे भी किए हैं। मैं चाहता हूँ आपका एक विशेष जानकारी हमको है कि माही जो है एक लोकगीत है जिसकी आप विशेष रूप से सृजन करते हो, यहाँ पर काफी पॉपुलर भी आपने लखनऊ में किया है, तो माही के बारे में जानना चाहते हैं। माही जो लोकगीत है पंजाबी लोकगीत माहिया कहते हैं उसको। जी माहिया है, और यहाँ लखनऊ में उतना तो नहीं था, और बल्कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि ये माहिया क्या होता है। और मैं बचपन छोटे से तो मुझे जो टीचर्स पढ़ाती थी वो जो है पंजाब से थी, तो उन्होंने जो है मुझको बताया। तो मैं माहिया और अभी समय दोहे भी लिखती हूँ। तो चाहता हूँ कुछ हमारे दर्शकों सुनाएं आप। नहीं जरूर जरूर जी, बिल्कुल जी जी माहिया प्रस्तुत कर रही हूँ कि वो लिखता तकदीरे, वो लिखता तकदीर
तदबीरे मैं बदलूं उनको कर कर के तदबीरे। ये एक मैया है। दूसरा मैया है कि सामाजिक है, जो हम लोग बातचीत करते हैं उसके ऊपर है कि सर्दी हो गर्मी हो साथ निभे जब तक लहजे में नरमी हो। और ये दोहा जरूर सुनना एक चाहेंगे। और माहिया पढ़ते, दो माहिया और पढ़ते, फिर उसके बाद आपको दोहा सुनाते हैं कि देहों के रिश्ते हैं आज नहीं तो कल जी। आँखों से रिश्ते हैं आज नहीं तो कल आँखों से रिश्ते हैं। और अंतिम में मेरा सिग्नेचर मैया है जी। कि ये देह पुरानी है, ये देह पुरानी है, बखिया तुरपन कर कुछ और चलानी है। ये एक दोहा जरूर सुनना चाहेंगे। दोहा दोहा अभी जो अभी तुरंत मैंने लिखा है वो कुछ इस तरीके है कि नारी नदिया प्रेम की जी। नारी नदिया प्रेम की जी। सभी रहे उलीच, नारी नदिया प्रेम की सभी रहे उलीच, गागर भर वो भी चले जी। गागर भर वो भी चले जी। जो कहते थे नीच जी। जो कहते थे नीच जी। और आज सुबह लिख रहे थे कि कलयुग में साथी मिले जी। कलयुग में साथी मिले जी। यथा किराएदार जी। जैसे किराएदार जी। कलयुग में साथी मिले यथा किराएदार, कील ठोक कर चल दिए दुखी हृदय दीवार, दुखी हृदय दीवार जी। और एक और जो आजकल आप लोग टीवी के सामने अमूमन देखते होंगे और इस समय भी देख रहे होंगे, तो उसके ऊपर एक दोहा है कि रात दिनन की दौड़ है जी। रात दिनन की दौड़ है, अजब गजब है मोड़, रात दिनन की दौड़ है, अजब गजब है मोड़, जीवन में खुश हो न हो खुश दिखने की होड़, खुश दिखने की होड़। बहुत धन्यवाद। अपने जो माहिया लोग बताया तो पहली बार हम सुने हैं इसको, और निश्चित रूप से आपके दोहे भी उतने ही, उनकी जो मूल है उनकी जो यथार्थ है उतना यथार्थ है। तो निश्चित रूप से प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हारिए आप कभी मत, पानी बन जाइए, रास्ता मिल जाएगा जी। सामने किसी ने ऐसे हर्डल लगा दिया है तब भी आपको रास्ता मिल जाएगा। इधर से बह जाइए, उधर से बह जाइए। बचपन में चाहा था कि डॉक्टर बने जी। नहीं बन पाए जी। फिर सोचा कि जो है संपादन करते हैं, फिर वहां पे भी मन नहीं लगा जी। ये ताइक्वांडो में मैं ग्रीन बेल्ट हूँ, लेकिन उसके लिए मना हो गया कि लड़कियां हैं कहाँ जाओगे लड़कों के बीच में। लेकिन रास्ता खोज लेता, अगर आपके मन में कुछ करने की लगन है ना तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हारिएगा मत, कहीं ना कहीं अगर लगन है तो कहीं ना कहीं तो आगे निकल ही जाएंगे आप। तो हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया भैया। हारिए मत, रास्ता आपको मिल जाएगा। और ये बात कही है निविता श्रीवास्तव ने, जो कि अपने आप में एक प्रेरणा है, जो लगातार तमाम तरह के कामों को अंजाम देती है, समाज के लिए भी काम करती हैं, लिखती भी हैं, और एक जो दिशा है उनकी वो समय समय पर लोगों के लिए काम करती रहती है और निर्देशन भी करती हैं। और स्वयं का उनका विचार है कि कभी हारना नहीं है, आपको रास्ता हमेशा मिलता रहेगा। तो आज से इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार सक्सेस में फिर किसी नए बड़े व्यक्ति के साथ होगी मुलाकात, जिसने समाज को नई दिशा प्रदान दी है और समाज के लिए काम किया है। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम।